बाबा बाबा देखिए ना, मेरी बेटी हमेशा बीमार रहती है, इसके नसीब में क्या लिखा है। ओम बेटा, तेरी बेटी के ऊपर काल सर्प दोष बना रहा है। आज के ठीक दो दिन बाद सांप काटने से तेरी बेटी की मृत्यु हो जाएगी। चल ढोंगी बाबा कहीं का, मुझे तेरी बातों पे विश्वास नहीं, चल बेटा घर चलते हैं। ये अरे तो मेरी बेटी की चीखने की आवाज है, चल के देखता हूँ। अरे बेटा तुम्हें क्या हुआ, अरे बेटा उठो ना। अरे मेरी बेटी को सांप ने काट लिया, अब क्या करूँ मैं, काम करता हूँ बाबा को चलता हूँ। बाबा बाबा देखिए ना, मेरी बेटी को सांप ने काट लिया, इसकी रक्षा करिए बाबा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, खैर छोड़ो, तुम्हारी बेटी की जान बचाने के लिए नाग माता को बुलाना पड़ेगा, अब वही कुछ कर सकती है। नाग माता, तुम्हारी बेटी ने एक छोटी बच्ची को काट लिया, अब तुम्हें धरती लोक पे आना होगा। बेटा धरती लोक पे लगता है कोई संकट में, मैं अभी आती हूँ। ठीक है माँ। अरे मेरी बेटी तो ठीक हो गई। नाग माता की वजह से तुम्हारी बेटी के ऊपर से काल सर्प दोष हट गया, जाओ तुम्हारी बेटी ठीक रहेगी। भोलेनाथ के सच्चे भक्त वीडियो पर एक लाइक जरूर करें।